ये डेनी को मैंने कार में बिठाया है और मैं अब जाऊंगा इससे दूर कि ये कार में ही बैठा रहेगा और हम अब ये देखेंगे कि हम दूर रहते हैं जब कोई व्यक्ति आता है तो क्या इसका एक्सट्रैक्शन और क्या इसका बिहेवियर रहता है। अभी हमारे साथ में जो व्यक्ति है वो आएगा और देखेगा, मैं दूर से वीडियो बनाऊंगा। ये जा रहा है, ए हट, कौन है, भाग, हट, भगा दिया भगा दिया भगा दिया भगा दिया। गुड बॉय, वेरी गुड, गुड, वेल डन, वेल डन। ये अभी आपने जैसे देखा कि डॉग किसी अनजान व्यक्ति को कार के पास आने नहीं दे रहा, फिर मैं गया कार के पास और उसे भगाया, तो उसे भगाने के बाद में वो इधर घूम के आया तो डॉग भी ड्राइविंग साइड आया और भोंकते रहा, तो मैंने उसे इसलिए भगाया ताकि डॉग के माइंड में ये बैठा रहे कि ये दुश्मन है या किसी नुकसान पहुंचाने आया है। अगर मैं डायरेक्टली जाके डॉग के पास जाता कहता गुड बॉय और टिक दे देता तो वो क्या समझता कि ये तो मुझे खाने के लिए और मैं भोंक भी दिया तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, डॉग के माइंड में ये चीज़ बैठानी थी और ये चीज़ बैठी है कि नहीं, वो दुश्मन था, कुछ नुकसान या तकलीफ देने आया था, इसलिए उसे भगा दिया और जब तक मालिक या ओनर मतलब उसके नहीं आए तब तक मुझे उसे रोके रखना है, वेट करते रहना है। तो ये चीज़ें फिर रेगुलर प्रैक्टिस चली रही है और आगे भी चलेगी, ये कोई एकदम से करने नहीं लग गए, समय लगा, टाइम लगा, तो अब प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर रहे और अच्छे तरीके से करवाने के लिए भी अभी और प्रैक्टिस चलेगी, तो अब आगे और देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।